मौजूदा दौर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। हमारे आसपास ही कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दवाइयों का सेवन बड़ी ही लापरवाही से करते हैं। ये उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी में बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन खतरे की घंटी है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरी तरह से आपकी आंखें खोलकर रख देगा। एंटीबायोटिक्स ने बर्बाद की इस शख्स की जिंदगी। एलेक्स मिडिलटन नाम के शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप एंटीबायोटिक्स के सेवन करने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे। दरअसल एलेक्स ने एंटीबायोटिक की हाई डोज ले ली जिसके बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई। आज नौबत ये आ गई है कि बिना किसी इंसानी सहारे के वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते, उनकी हमेशा देखभाल करनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स की हाई डोज खतरनाक। 26 साल के एलेक्स मिडिलटन को एक खतरनाक तरीके का इन्फेक्शन हुआ था जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें एंटीबायोटिक की हाई डोज दी थी। हालांकि एलेक्स ने इसके पहले ही दवाई का सेवन शुरू कर दिया था। एंटीबायोटिक लेने के 2 दिनों बाद ही साइड इफेक्ट दिखने लगे और एलेक्स जो पहले काफी तंदुरुस्त थे अब वो चल भी नहीं पाते हैं। एलेक्स की माँ करती है देखभाल। एलेक्स मिडिलटन के परिजनों का मानना है कि उनको ये दिक्कतें एंटीबायोटिक की वजह से हुई है। उनकी मां मिशेल मिडिलटन ने ग्रिम्सबी लाइव से कहा कि एलेक्स को साल भर पहले पेट दर्द था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें एक नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन था। एलेक्स को उन्हें सिप्रोफ्लोसेसिन दिया गया था। एलेक्स से हो गई बड़ी गलती। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर होना चाहिए जब बाकी दवाएं काम नहीं कर रही हों। एलेक्स ने सिर्फ 5 दवाइयों का ही सेवन किया और आखिरी दवाई खाने के बाद जॉइंट पेन होने लगे। एलेक्स मिडिलटन की मां मिशेल बताती हैं कि उनके बेटे को हर वक्त काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद वो पेन किलर का सेवन नहीं कर पाता क्योंकि इससे बॉडी पर बुरा असर पड़ सकता है। मिशेल ने यह भी बताया कि एंटीबायोटिक खाने के बाद एलेक्स का वजन भी तेजी से घटने लगा। MRI स्कैन के जरिए डॉक्टर्स को पता चला कि एलेक्स के शरीर में एक असामान्य रूप से बड़ी सीलिएक आर्टरी है। इसकी जांच जारी है लेकिन इसे ठीक करने का तरीका अभी तक पता नहीं चल पाया। एलेक्स की मां दुआ कर रही हैं कि उनका बेटा जल्द सेहतमंद हो जाए।